जय भारत टू ऑल एडवेंटियंस। सो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे देखा था हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ एनी गिवन परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके, तो आज के लेक्चर में जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू रियल नंबर्स। मतलब इस चैप्टर के बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं वो हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Euclid's division lemma states that for any two positive integers a and b, there exists unique integer q and r such that a is equal to b cube plus r where must satisfy. तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं आपको। यहाँ पे कन्फ्यूजन काफी लोगों को होता है इसलिए। तो यहाँ पे रिमाइंडर के लिए कंडीशन क्या है, तो रिमाइंडर जो है वो जीरो भी पॉसिबल है, मोर देन जीरो भी पॉसिबल है, बट रिमाइंडर कैन नॉट बी इक्वल टू और मोर देन डिविजर। ओके, सो यहाँ पे कौन सी वैल्यू हमें, कौन सा ऑप्शन होगा, रिमाइंडर कैन बी जीरो और ग्रेटर देन जीरो बट इट इज ऑलवेज लेस देन डिविजर। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा सी। ओके, सो नेक्स्ट, ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:5। ओके, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, रेशियो हमें दिया है दो नंबर का। इफ देयर एलसीएम इज 900 देन एचसीएफ इज। ओके, सो हमें यहाँ पे नंबर्स दिए 9:5 के रेशियो नंबर के लिए दिया है 9:5। सो कोई भी दो नंबर लेते हैं, मान लो ए एंड बी। ओके, सो ए अपॉन बी इज इक्वल टू 9/5। ए अपॉन बी इज इक्वल टू 9/5। ओके, सो यहां पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 9x एंड बी इज इक्वल टू 5x। मतलब ये हमने पहले भी देखा था कि रेशियो में है, तो इसका मतलब है कि इसके साथ जो कोई कॉमन मल्टीपल हो सकता है जो कि कैंसिल किया हुआ है। ओके, तो वो हम लेते हैं x। ओके, ए इज इक्वल टू 9x है, बी इज इक्वल टू 5x है, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ओके, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अगर प्राइम फैक्टर्स करना चाहते हो इसको ऐसे नोट कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 3×3×x। ओके, अभी इसके लिए एलसीएम जो है वो हमें डेटा में दिया है। ओके, तो यहाँ पे लेते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 900। ओके, नेक्स्ट ये दोनों नंबर को देखो, इसके लिए अगर एलसीएम सिर्फ हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू इन दोनों में जो कॉमन नहीं है वो हर एक पार्ट लेना है। ये क्या है, 3:2। ओके, यहां पे क्या है, 5:1, और x जो है वो दोनों में है, तो दोनों में से हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है, दोनों में सेम है, x:1, तो यहां पे लेंगे x:1। सो एलसीएम की वैल्यू क्या होगी, 9×5, सो इट विल बी 45×x, ये एलसीएम की वैल्यू मिलेगी। ओके, बट इसकी वैल्यू जो है वो एज नंबर में हमें दिए 900, तो x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 45×2, सो x इज इक्वल टू 20 हमें मिल गया। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, HCF। सो HCF कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास दोनों नंबर और LCM HCF के बीच का रिलेशन है। रिलेशन क्या है, LCM ऑफ टू नंबर इंटू HCF ऑफ टू नंबर विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट टू नंबर्स। ओके, यहाँ पे वैल्यू प्लॉट कर लेते हैं। सो LCM जो है वो हमें दिया है 900, HCF जो है वो हमें फाइंड करना है। A की वैल्यू जो है वो क्या है, 9×x, x की वैल्यू क्या है, x इज 20, सो 9×20 A की वैल्यू हो जाएगी। ओके, इंटू B की वैल्यू क्या होगी, 5×x, सो x की वैल्यू है 20, सो इट विल बी 5×20। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देते हैं, ओके ये कैंसिल हो जाएगा, 100 है के इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट 9×9 कैंसिल, सो HCF जो है वो क्या, बाकी क्या बचेगा, 2×5×2, सो 4×5=20, सो HCF विल बी 20। ओके, सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी 20। तो रेशियो दिया है तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं लेनी है हमें, यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल जो है वो कॉमन मल्टीपल में एज्यूम करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो The value of x in the factor tree is, okay, so factor tree जो है वो आपको पता है कि prime factors के form में इसको represent करता है। okay, कोई भी एक number को prime factors के form में इसको
रिप्रेजेंट करता है। ओके तो फैक्टर ट्री कैसे बनता है, सो यहाँ पे मान लो कि मैंने ले लिया 30, 30 को मैंने 2 से डिवाइड किया पहले, तो ऐसे करो कि 2 और 2 से डिवाइड करूँगा तो बाकी क्या बचेगा 15, 15 को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 इंटू क्या होगा 5। ओके तो ये हो गया फैक्टर ट्री किसके लिए, 30 के लिए। ओके फैक्टर ट्री जो है ओके इसको जो है वो ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे नीचे क्या है 5 एंड 3, इसका मल्टीप्लीकेशन आपको क्या मिलेगा 15, 15 एंड 2, 15 टू जा 30, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है ये ऊपर का नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें x फाइंड करना है, तो 2 इंटू 3 जो है वो हमें कौन सा नंबर देगा यहाँ पे 6, नेक्स्ट सिमिलरली 6 इंटू 5 यहाँ पे कौन सा नंबर देगा 6, 5 जा 30 एंड 30 इंटू 5 तो x की वैल्यू हमें मिल गई 150। ओके तो फैक्टर ट्री में जो है वो आपको कोई भी साइड से पूछ सकते हैं, ओके डाउनवर्ड टू अपवर्ड और अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग, ओके फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ओके मतलब कि इसकी वैल्यू के हिसाब से इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके सॉरी ओके सो यहाँ पे जो है वो तीनों की वैल्यू जो है वो कंपेयर कैसे करेंगे, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हमें पता क्या होना चाहिए कि कौन से नंबर की वैल्यू ज़्यादा है कौन से नंबर की कम है। तो इस टाइप के हर एक क्वेश्चन के लिए एक सिंपल चीज़ याद रखनी है, पहले 3 जो है ओके 3 रूट 3 है, क्यूब रूट ऑफ 4 है सॉरी क्यूब रूट एंड फोर्थ रूट ऑफ 6। ओके इन तीनों को हम ऐसे नोट कर सकते हैं, थ्री जो रूट थ्री का मतलब 3 raised to 1/2। ओके रूट और क्यूब रूट ऑफ 4 का मतलब है 4 raised to 1/3। ओके 6 फोर्थ रूट ऑफ 6 सो 6 raised to 1/4। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से सुनना है, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है 2, 3 and 4, 2, 3 एंड 4 तीनों का LCM क्या होगा 12, तो आपको जो है यहाँ पे इसको 12 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ओके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तीनों में के जो एक्सपोनेंट है इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो तीनों के LCM से। ओके नेक्स्ट सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2, 6 तो ये होगा 3 raised to 6 divided by 12, यहाँ पे क्या होगा 3, 4 जा सो 4 raised to 4 divided by 12। ओके यहाँ पे 6 raised to 3 divided by 12, ओके सॉरी 12। अभी ये नहीं करना है कि 6 और 12 को कैंसिल कर दे, वरना यहीं पे वापस आ जाओगे। ओके जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस पहुंच जाओगे। अभी जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो तीनों में डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गया 12। ओके जो बाकी का पार्ट है इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि 3 raised to 6 के अभी जो है फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं इसीलिए हर एक स्टेप कर रहे हैं, आपको एग्जाम जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसमें ये सब स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। ओके डायरेक्ट जो है कैलकुलेशन करो, यहाँ पे जो है आपको पता होगा पता चल जाएगा कि तीनों का LCM 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 raised to 6 by 12। तो नेक्स्ट क्या करना है 3 raised to 6 raised to 1 by 12 ऐसे नोट कर सकते हैं, ये सेम ही होगा। ओके यहाँ पे होगा 4 raised to 4 raised to 1 by 12 और यहाँ पे होगा 6 raised to 3 raised to 1 by 12। ओके इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 3 raised to 6 क्या होगा 3 raised to 2 9, 9 3 जा 27, 27 into 3 81, ये क्या हो गया 4 raised to 81 into 3 243, 243 into 3 सो इट विल बी 729। ओके सो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 729 raised to 1 by 12। नेक्स्ट 4 raised to 4 सो 4 into 4 16 4 64 64 into 4 256, तो यहाँ पे होगा 256 raised to 1 by 12, 6 raised to 3
सो इट विल बी 216 रेज टू 1 बाय 12. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों नंबर जो है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों नंबर के लिए एक्सपोनेंट जो है वो सेम आ गया. तो अभी आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो. इसमें एक्सपोनेंट सेम है तो ये डायरेक्ट नंबर को अगर आप देखो तो 729 इज हाईएस्ट नंबर, तो इसका 1 बाई ट्वेल्थ रूट, मतलब ट्वेल्थ रूट जो है इसका जो है वो सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू है. 256 सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू. सो यहाँ पे इन तीनों की कंपैरिजन क्या होगी, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम तक जाना है. तो मिनिमम कौन सी होगी, 216 रेज टू 1 बाई 12 ओके इज लेस देन 256 रेज टू 1 बाई 12 इज लेस देन 729 रेस टू 1 बाई 12. ओके सो यहाँ पे तीनों जो है इसकी ओरिजिनल वैल्यू फिर से लेके आते हैं. ये किसकी वैल्यू है, फोर्थ रूट ऑफ 6. ये किसकी वैल्यू है, क्यूब रूट ऑफ 4. और यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो इन तीनों में डायरेक्टली आप देख के नहीं बता सकते. ओके यहाँ पे देखो रूट थ्री जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, तीनों में हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, रूट थ्री. इससे कम क्यूब रूट ऑफ 4, इससे कम फोर्थ रूट ऑफ 6. सो आंसर जो है वो होगा ओके यहाँ पे बी आंसर. हाँ ओके सो आंसर विल बी बी. ओके नेक्स्ट आपको याद रखना है, सिर्फ एक मेथड ही याद रखनी है कि जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है. ओके नेक्स्ट एक्सपोनेंट में जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम लेके एलसीएम से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है. तीनों में जो एक्सपोनेंट आ रहा है इसमें जो कॉमन पार्ट है, कॉमन कौन सा है, 1 बाई 12 1 बाई 12 1 बाई 12. इसके अलावा जो है वो सब कुछ अंदर दे देना है के नंबर को और इसको सिंप्लीफाई करना है. बाद में तीनों का एक्सपोनेंट सेम हो जाए बाद में आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते. ओके सो नेक्स्ट, इफ एन इज एन इवन नेचुरल नंबर देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इज डिविजिबल इज 6, 8, 12 एंड 24. पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में हमें डेटा क्या दिया है, एन इज इवन नेचुरल. ओके इवन नंबर है और नेचुरल है, नेचुरल स्टार्ट होंगे 1 से, इवन नेचुरल स्टार्ट होंगे 2 से, 2, 4, 6, 8 अप टू इनफाइनाइट. ओके नेक्स्ट, इसमें से जो है एन की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 2 से. तो हमें जो है वो फाइंड क्या करना है, सो वी हैव टू फाइंड दैट एन की कोई भी वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करो. ओके कोई भी इवन वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करो तो ऐसा हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे हर एक वैल्यू के लिए जो नंबर मिलेगा उसको हम परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं. ओके हाईएस्ट नंबर ऐसा फाइंड करना है जिससे एन की कोई भी वैल्यू यहाँ प्लॉट करने से जो नंबर मिले इसको हम परफेक्टली डिविजिबल कर सकते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपल है कि एन जो है इसकी मिनिमम वैल्यू ले लो, एन की मिनिमम वैल्यू ले लो 2. 2 को यहाँ पे प्लॉट कर दो ये क्वेश्चन में, सो क्या होगा, 2 into 2 plus 1 2 plus 2. ओके सो यहाँ पे मिलेगा 2 into 3 into 4, सो 4 2 8 3 24. एन की मिनिमम वैल्यू के लिए जो नंबर मिल रहा है ओके वो हमारे लिए होगा हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड ऑल द वैल्यूज ऑफ एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 फॉर एनी इवन नेचुरल नंबर. किस तरह से, मतलब मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम एन की वैल्यू क्या है, 2. इसके लिए इक्वेशन की वैल्यू क्या मिल रही है, 24. इसका मतलब कि n की आगे जो भी वैल्यू लोगे 4 या फिर 6 या फिर 8 इसमें जो नंबर मिलेगा वो इससे तो लार्जर नंबर ही होगा. ओके और ये हर एक नंबर जो है वो इसके मल्टीपल में होगा. मल्टीपल में कैसे होगा, यहाँ पे ये जो है वो मिल रहा है 2 into 3 into 4. अगर आप 4 प्लॉट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 4 into 5 into 6. ओके 4 जो है इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं 2 into 2 5 एज इट इज रहने दो,
सिक्स जो है इसको हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं कि टू इंटू थ्री, ओके। तो यहां पे टू इंटू थ्री इंटू फोर है, ओके तो यहां पे देखो टू थ्री एंड इसका मल्टीप्लीकेशन होगा फोर, तो टू इंटू थ्री इंटू फोर तो है ही, इसके मल्टीपल में और एक एक्स्ट्रा नंबर आ जाएगा, बट मिनिमम मल्टीपल में जो है टू इंटू थ्री इंटू फोर तो आएगी, एन की आप कोई भी वैल्यू प्लॉट करके देखो तो जो भी नंबर मिलेगा एन की हर एक वैल्यू के लिए वो 24 से तो डिवाइड होगा, ओके। हाँ, ये हर एक नंबर जो है वो टू से भी डिविजिबल होगा या फिर थ्री से भी डिविजिबल हो सकता है, बट हमें फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड ऑल दी वैल्यूज ऑफ गिवन इक्वेशन फॉर एवरी नेचुरल इवन एन, ओके। तो ये याद रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू लेनी है, यहाँ पे प्लॉट करो, जो भी वैल्यू मिले बाकी की हर एक वैल्यू जो है वो इसके मल्टीपल में होगी, सो इट इज हाईएस्ट वैल्यू विच कैन डिवाइड ऑल द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं, इफ एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस रूट एट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी पूछे जा सकते हैं, ओके। तो यहां पर देखते हैं कि इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पर हमारे पास क्या है, एक्स, ओके। तो अगर इक्वेशन जो है इसको एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहां पे ध्यान से देखो कि इसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, ओके एक्स स्क्वायर, ओके इसको परफेक्ट स्क्वायर में मान लो कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे नोट कर देते हैं एक्स होल स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इसको नोट कर देते हैं वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ओके। ये सेम स्टेप से है, ओके okay, ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए बीच में कौन सा पार्ट चाहिए, टू इंटू ए इंटू बी, तो यहां पे ऐड कर देते हैं प्लस टू इंटू ए क्या है एक्स इंटू बी क्या है वन अपॉन एक्स, जो ऐड किया है वो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा तभी जाके ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगा, तो यहां से माइनस करते हैं टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, ओके नेक्स्ट, ओके तो नेक्स्ट ये जो तीनों है वो कन्वर्ट हो गए परफेक्ट स्क्वायर में, सो इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर नोट कर सकते हैं, ओके यहां पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो यहां पे बाकी बचेगा माइनस, ओके यहां तक क्लियर है। तो नेक्स्ट जो है पहले इतना फाइंड कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, ओके तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ओके ये हमने पहले किया हुआ है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है तो ये क्या है थ्री प्लस रूट एट, यहां पे होगा प्लस वन अपॉन थ्री प्लस रूट एट, ध्यान से देखो ये कौन सा फॉर्मेट है, वन अपॉन इरेशनल, तो हम क्या करेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो रेशनलाइज करना है तो यहां पे क्या होगा इंटू थ्री माइनस रूट एट अपॉन थ्री माइनस रूट एट, ओके इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके सेकेंड स्टेप को पहले रेशनलाइज कर देते हैं, तो यहां पे जो है वो हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन जो है वो क्या होगा, सो थ्री प्लस रूट एट एज इट इज, ओके प्लस यहां पे क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे a स्क्वायर क्या होगा थ्री स्क्वायर नाइन, नाइन माइनस और रूट एट स्क्वायर क्या होगा एट, सो नाइन माइनस एट विल बी वन, तो ये जो है डिनोमिनेटर पूरा हो जाएगा वन, तो ये नोट करने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर थ्री माइनस रूट एट ये कैंसिल, थ्री प्लस थ्री विल बी सिक्स, एक्स प्लस वन अपॉन वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमें मिल गई सिक्स, तो सिक्स जो है वो यहां पे अगर प्लॉट करेंगे तो ये क्या होगा सिक्स स्क्वायर माइनस टू, सो इट विल बी थर्टी सिक्स माइनस टू, सो इट विल बी थर्टी फोर, ओके सो आंसर विल बी सिक्स, ओके तो इस तरह सॉरी इस तरह से जो है वो एक्स की वैल्यू है तो इसको पहले एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हाँ आप ये भी कर सकते हो एक्स की वैल्यू यहां पर प्लॉट करो फिर जो मिले इसमें सेकेंड पार्ट में इसी तरह से जो है वो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो, ओके जो जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट हो आप कर सकते हैं, ओके सो नेक्स्ट इफ एक्स एंड वाई आर एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स देन
एक्स लेस देन वाई इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब है कि अगर एक्स लेस देन वाई है तो इसमें से कौन सा राइट है. ओके सो पहले जो है वो थोड़ी इनइक्वालिटी जो है वो रिपीट कर लेते हैं. अभी तक आपको पता ही है कि ये इनइक्वालिटी में जो है वो रूल्स कौन से होते हैं. मान लो कि एक्स जो है, ओके यहाँ पे भी एक्स है तो और लेते हैं कोई, ए इज ग्रेटर देन बी है. ओके ए ग्रेटर देन बी है और अगर हम यहाँ पे ले माइनस ए माइनस बी, तो इनके बीच का रिलेशन जो है वो यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी. अगर आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी जो है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ये हो जाएगा लेस देन. रीजन एग्जांपल लेते हैं, थ्री इज ग्रेटर देन टू, थ्री इज ग्रेटर देन टू, दोनों साइड जो है वो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस थ्री माइनस टू. सो नाउ रिलेशन इज माइनस थ्री इज लेस देन माइनस टू. ओके सो रिलेशन चेंज हो रहा है. ओके सिमिलरली ओके दोनों साइड अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो, ओके यहाँ पे मान लो ऐड कर दिया थ्री, यहाँ पे भी थ्री, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दोनों साइड से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ओके ए इज ग्रेटर देन बी माइनस फाइव माइनस फाइव, दोनों साइड से सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दोनों साइड सेम मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट फर्क कब पड़ेगा, जब आप दोनों साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे जो साइन है इनइक्वालिटी की वो चेंज हो जाएगी. ओके नेक्स्ट जो है सेकेंड थिंग, अगर आप ए ग्रेटर देन बी है और इन दोनों का रेसिप्रोकल ले रहे हो, ओके वन अपॉन ए एंड वन अपॉन बी, तो यहाँ पे जो है वो साइन चेंज हो जाएगी. ओके रीजन एग्जांपल देखते हैं, 20 या फिर ओके आपको सिंपल लगे ऐसा, 1000 इज ग्रेटर देन 100, 1000 इज ग्रेटर देन 100, तो 1/1000 लोगे अगर यहाँ पे और यहाँ पे लोगे 1/100, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, 1 के 100 इक्वल पार्ट करोगे और 1000 इक्वल पार्ट करोगे, ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, 1/100, सो इट इज ग्रेटर. ओके 1/100 इज ग्रेटर देन 1/1000 और यू कैन से 1/1000 इज लेस देन 1/100. तो यहाँ पे दो चीजें नोट करनी है, जब भी आप इनइक्वालिटी जो है ग्रेटर देन लेस देन, तो इसके मतलब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी साइन चेंज होगी, यहाँ पे अगर दोनों साइड रेसिप्रोकल ले रहे हो तो भी साइन चेंज होगी. ओके तो ये कॉन्सेप्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके रखना है. ओके नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे आते हैं, डेटा क्या दिया है, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई. ओके अगर फर्स्ट डेटा क्या है, माइनस है दोनों साइड, तो यहाँ पे माइनस अगर मल्टीप्लाई करे दैट माइनस एक्स एंड माइनस y, तो यहाँ पे साइन क्या होगी, चेंज होगी. तो फर्स्ट देखो साइन जो है वो चेंज यहाँ पे नहीं हो रही है, तो ये कैंसिल. ओके सेकेंड देखते हैं, तो यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस में देखते हैं, यहाँ पे साइन चेंज हो रही है, तो ये जो है वो मतलब इनइक्वालिटी के रूल फॉलो कर रहा है. सो सेकेंड वन इज राइट. नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ चेक करते हैं, क्योंकि अगर मल्टीपल चॉइस मतलब मल्टीपल करेक्ट आंसर अगर दिए है तो आपको मतलब चेक कर लेना है कि 1/x इज लेस देन 1/y, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल्स है तो यहाँ पे लेते हैं 1/x एंड 1/y, 1/x एंड 1/y दिया है तो यहाँ पे x लेस देन y है तो रेसिप्रोकल लिया तो क्या होगा, साइन चेंज होनी चाहिए, तो ये होगा ग्रेटर देन, सो इट इज रॉन्ग कि यहाँ पे जो है वो साइन चेंज नहीं हो रही है. नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव भी है और रेसिप्रोकल भी है, तो हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ले लो जो डेटा दिया है x इज लेस देन y, अगर इनमें दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस x माइनस y, तो क्या होगा, ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगी ग्रेटर देन. फिर इसका रेसिप्रोकल करें कि 1/-x या फिर -1/x एंड -1/y, तो फिर से साइन चेंज होगी, तो ये हो जाएगा लेस देन. ओके तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन मिल रहा है, नहीं यहाँ पे जो है वो साइन डिफरेंट है, सो ये भी कैंसिल, ये भी नहीं होगा, सो राइट आंसर इज बी. ओके
सो इस तरह से ये दो दो जो है वो रूल्स आपको याद रखने हैं, जब भी माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी, और जब भी आप जो है वो रेसिप्रोकल करो तो भी दोनों साइड रेसिप्रोकल करो तो साइन चेंज होगी. ओके, सो नेक्स्ट वन, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज. ओके, स्मॉलेस्ट प्राइम 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट कौन सा होगा 4. ओके, सो 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम, सो फर्स्ट नंबर इज 2, सेकेंड नंबर इज 4. प्रोडक्ट ऑफ, हमें प्रोडक्ट किसकी पूछी है, HCF एंड LCM ऑफ दिस टू नंबर्स. ओके, तो दो नंबर के लिए HCF एंड LCM का प्रोडक्ट क्या होता है, वो दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन जितना ही होता है, HCF into LCM is equal to A into B. ओके, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, सो सिंपल ऑप्शन डी. ओके, सो HCF एंड LCM का प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों के मल्टीपल के जितना ही होता है, तो इसमें HCF एंड LCM फाइंड करने की जरूरत नहीं है. ओके, ओके, सो नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720 इज. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है. ओके, आपको जो है वो इसके लिए ट्रिक जो है वो याद रखनी है. पहले जो है वो हम लेते हैं एक एग्जाम्पल. ओके, तो एग्जाम्पल में एक नंबर लेते हैं 30. इसके लिए फैक्टर्स हमें फाइंड करने. ओके, ध्यान से देखो, फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स नहीं. ओके, सो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जो कि हर एक के लिए फैक्टर है. फर्स्ट लेते हैं 1, सेकेंड इसके लिए फैक्टर है 2, थर्ड फैक्टर है 3, नेक्स्ट 5, 6, 10, 15, 30. तो ये हर एक फैक्टर का लिस्ट बन गया है. ओके, तो ये लिस्ट में चेक करो कितने फैक्टर्स है, 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8, 8 फैक्टर्स है. 8 फैक्टर्स जो है ये आपने, ये स्मॉलर नंबर है इसलिए आपने इजीली काउंट कर लिया है. 720, तो आप क्या करोगे, 720 तक जो है वो एक एक फैक्टर जो है वो काउंट करते जाओगे? नहीं, कोई भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है तो इसके लिए एक इक्वेशन है. ओके, शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपको याद रखनी है. 30, तो 30 के पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो. ओके, तो 30 प्राइम फैक्टर्स जो है वो हो गए 2, यहाँ पे 15, ओके, यहाँ पे होगा 3, 5 और यहाँ पे 5, 1. तो 30 को जो है वो हम ऐसे नोट कर सकते हैं, 30 इज इक्वल टू 2 रेस टू 1, 3 रेस टू 1, 5 रेस टू 1. ओके, 2 रेस टू 1, 3 रेस टू 1, 5 रेस टू 1. ओके, सो इसके लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो यहां पे प्राइम फैक्टर्स मिले इसके एक्सपोनेंट क्या है नोट करो, 1 1 1. जो भी एक्सपोनेंट हो इसमें 1 1 ऐड करके तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो. किस तरह से, यहां पे फर्स्ट एक्सपोनेंट क्या है 1, तो इसमें 1 ऐड करो, 1 प्लस 1. यहां पे 1 है तो 1 ऐड करो, 1 प्लस 1. यहां पे भी 1 है तो ऐड करो, 1 प्लस 1. ओके, तो जितने भी है दो फैक्टर्स ही मिल रहे हैं तो इसके एक्सपोनेंट में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लीकेशन करो. ओके, तो यहां पे क्या होगा, 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, सो इट विल बी 8. ओके, यहां पे देख लो कितने फैक्टर्स मिल रहे हैं, 8. ओके, सिमिलरली और एक नंबर लेते हैं okay, ताकि मेथड क्लियर हो. 50 के लिए फैक्टर्स कौन से है, पहले जो है वो सिंपल मेथड से करते हैं. सो 1 2, नेक्स्ट जो है इसके लिए होगा 5, नेक्स्ट 50 के लिए 10, नेक्स्ट होगा 25, नेक्स्ट 50. ओके, सो फैक्टर्स कितने हैं, 3 प्लस 3, 6 फैक्टर्स हैं. ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे चेक करते हैं इस मेथड से, 50 के लिए प्राइम फैक्टर्स ले लो. सो यहाँ पे क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1. सो 2 रेस टू 1, 5 रेस टू 2. ओके, क्या है एक्सपोनेंट में, 1 इंटू 1 में 1 ऐड करो, 1 प्लस 1, 2 में 1 ऐड करो, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, 2, 2 प्लस 2 इंटू 3, सो इट विल बी 6. नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल गए 6. ओके, तो इसी तरह से जो है वो किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना है, इसके एक्सपोनेंट जो है हर एक एक्सपोनेंट में 1 1 ऐड करके तीन जितने भी नंबर्स मिले इसका मल्टीप्लीकेशन करना है. तो
क्वेश्चन पे जाते हैं फिर से कि हमें फाइंड करना है 720 के लिए, तो 720 के फैक्टर्स लेते हैं। पहले तो डायरेक्ट ये 8 से डिविजिबल होगा, ओके, तो हम यहां पे ले सकते हैं 2 raised to 3 मींस 8 से डिविजिबल होगा 90, और 2 से डिविजिबल होगा तो ये होगा 45, ओके, नेक्स्ट ये डिवाइड होगा 5 से, ओके, 3 से भी होगा, ओके, सो 3 से डिवाइड होगा नेक्स्ट, तो यहां पे होगा 3 15 3 5 और 5 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से मिल गए? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, ये क्या हो जाएगा 2 raised to 4 इंटू 3 raised to 2 इंटू 5 raised to 1। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे 4 है, 4 plus 1 2 है, 2 plus 1 और यहाँ पे 1 है, तो 1 plus 1, सो सिंप्लीफिकेशन विल बी 5 into 3 into 2, 5 3 15 2 30, तो इसके लिए फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 30, ओके, तो इस तरह से ये मेथड जो है वो खास नोट करके रखनी है, कितना भी बड़ा नंबर हो आप नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो ये इक्वेशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हो, ओके, सो यहाँ पे सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट कर लो, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे ले रहे हैं, ओके, मान लो कि यहाँ पे मिल रहा है a raised to x, b raised to y, c raised to z, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, x plus 1 into y plus 1 into z plus 1, और भी आगे जा रहा है कि d raised to w या फिर e raised to u, तो फिर यहाँ पे और ऐड होता जाएगा कि यहाँ पे जो है वो होगा w plus 1 u plus 1, ओके, और इससे कम है, एक है तो भी आप कर सकते हो, सॉरी, एक ही, अगर आपको एक ही फैक्टर मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 125, तो 125 के लिए आपको क्या मिलेगा, 5 raised to 3, तो सिर्फ एक ही मिल रहा है तो यहाँ पे कर दो 3 plus 1, तो इसके फैक्टर्स होंगे 4, ओके, कौन कौन से 4 फैक्टर्स, सो फर्स्ट वन इज 1 5, नेक्स्ट कौन सा होगा 25 और 125, तो 4 फैक्टर हमें मिल गए, कि तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे भी इसी चैप्टर के कम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे, ओके, सो तब तक जो है वो आपको सेम टाइप के क्वेश्चन जो है वो फाइंड कर करके आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, ओके, और बाद में जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में और टाइप के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अद्वैत अचीवर्स, यूट्यूब के वीडियोज जो है वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें, सो थैंक यू, विद्यार्थी देवो भव, जय भारत।